नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, विभिन्न बीमारियों में बादाम का, आलमंड का सेवन करने का जो तरीका होता है वो 99% लोगों को पता ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सुबह उठ के छिलका उतार के बादाम का सेवन करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि 100% बेनिफिट्स। अगर वो रात को सोते समय बादाम को पानी में भिगोकर रख देंगे, सुबह उठ के उसका छिलका उतार कर सेवन करेंगे इस तरह से, तभी उनको फायदा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आपकी बॉडी का जो नेचर है वो कफ प्रकृति का, यानी कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है मौसम चेंज होने की वजह से, यानी कि आपको कफ की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो बहुत ही भयंकर हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है अगर आप सुबह उठ के खाली पेट बादाम का ऐसे छिलका उतार के रात को पानी में भिगोकर सेवन करते हैं। क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि पानी में बादाम को भिगोने से उसकी गर्मी बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, जिनको कफ प्रकृति की समस्या रहती है उनको तो ऐसे भी गर्म चीज़ें हल्की खानी चाहिए, तो उनको जो सेवन होता है बादाम का रात को सोते समय, इस तरह से जो बादाम होते हैं बिना पानी में भिगोए हुए, इस तरह से बादाम को आपको अच्छे से पीस लेना, या फिर नहीं भी पीसेंगे दूध के साथ में सेवन करें रात को सोते समय। सुबह किन को सेवन करना चाहिए, जिनकी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति की होती है, यानी कि जिनको शरीर के अंदर गर्मी हो जाती है, छाले हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं फायदे क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अष्टांग रिदम के अनुसार, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब है, उसके अनुसार आपको विधि क्या है, सही तरीका क्या है सेवन करने का। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं रोज़ाना नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए जानते हैं बादाम के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपका शरीर कमज़ोर ना पड़े, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, हड्डियां आपकी एकदम मजबूत रहें, हड्डियां कमज़ोर ना हो, तो उसमें किस तरह से बादाम का प्रयोग करना है उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। रात को सोते समय आपको 5 से 6 बादाम पानी के बीच में भिगो कर रख देने हैं। सुबह उठ के एक चावल का जो दाना होता है उतना आपको चूना ले लेना है, जो पान की दुकान में चूना मिलता है, उसके साथ में आपको बादाम का सेवन करना है। साथ में मिश्री होनी चाहिए और साथ में 1 चम्मच सौंफ होने चाहिए। 4 चीज़ें आपको लेनी है, बादाम, मिश्री, 1 चम्मच सौंफ और साथ में 1 चावल दाना जितना चूना। ये 4 चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, सबसे पहली बात आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। थकान जिनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, शारीरिक दुर्बलता जिनको बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। स्टैमिना को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। चलिए बात करते हैं बादाम के अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, सुबह उठ के छिलका उतार कर अगर आप बादाम का सेवन करते हैं तो बालों के लिए और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो चाहते हैं कि उनके बाल झड़ने पूरी तरह से बंद हो जाएं, उनको आज से ही इस तरह से छिलका उतार के रात को पानी में बादाम को भिगो कर रख दें, सुबह उठ के छिलका उतार के इसका सेवन करें। आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए आपको सौंफ और मिश्री का भी साथ में सेवन करना है। आपको पता है कि आंखों के लिए सौंफ, मिश्री और बादाम बहुत ही अच्छे होते हैं। बालों के लिए आंवले का चूर्ण साथ में बादाम का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप रात को सोते समय 4 से 5 बादाम को पानी में भिगो कर रख देते हैं, सुबह उठ के उनका छिलका उतार कर इस तरह से सेवन करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जिनको गठिया की, यानी कि जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की समस्या रहती है, उनको रात को सोते समय दूध के साथ सूखे बादाम, 3 से 4 बादाम को आपको पीस लेना है, दूध के बीच में मिला के उनका सेवन करना है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है गठिया की समस्या के लिए। साथ में जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है कि आपको पानी में भिगोकर सेवन नहीं करना है, रात को सोते समय दूध के साथ में सेवन करना है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है या फिर डायबिटीज़ यानी कि शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी रात को सोते समय क्या करना है, रात को 6 से 7 बादाम पानी के बीच में भिगोकर रख देने हैं, सुबह उठ के छिलका उतार के उनका सेवन करना है, बहुत ही अच्छा होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। साथ में इंसुलिन को स्पाइक करने से रोकता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन रखने के लिए बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त औषधि होती है अगर आप सुबह उठ के खाली पेट छिलका उतार कर बादाम का सेवन करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, पुरुषों की किसी भी प्रकार की अंदरूनी जो कमज़ोरी होती है, आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी अंदरूनी कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रकार की अंदरूनी कमज़ोरी रहती है, 4 से 5 बादाम आपको रात को सोते समय पानी में भिगो देने हैं,
सुबह उठ के गुड़ के साथ में, गुड़ आपको ले लेना 4 से 5 ग्राम के आसपास, 5 से 6 बादाम छिलका उतार के आपको लेने इस तरह से देखिए, और साथ में आपको 1 चम्मच शहद और साथ में 3 से 4 खजूर, ये आपको 3 से 4 औषधियां डेली उठ के सुबह खाली पेट सेवन करनी है, जिनको अंदरूनी दुर्बलता, आप समझ पा रहे हो मैं कौन सी अंदरूनी दुर्बलता की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरी तरह से 1 महीने के भीतर भीतर जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों आई होप कि आपको बादाम के फायदों के बारे में सही जानकारी आज मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने मित्रों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप।